हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सीरीज में मैं आज बता रही हूँ कोशिका यानी सेल। कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की और ये हमारे शरीर में क्या भूमिका अदा करता है, इसके इतिहास के बारे में और इसका परिचय इस वीडियो में दे रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, कोशिका 4-5 पार्ट में पूरा हो पाएगा, बहुत लंबा टॉपिक है। तो इस वीडियो में ये पार्ट 1 है, इसमें कोशिका के परिचय, इतिहास और कोशिका किसे कहते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेंगे कि कोशिका का इतिहास क्या है, कैसे इसका अध्ययन शुरू हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हर एक चीज़ का एक रासायनिक नाम होता है। जैसे कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो कोशिका का रासायनिक नाम जो है वो साइटो है। क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोशिका का रासायनिक नाम क्या है, तो साइटो। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का रासायनिक नाम साइटो है और कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। और नेक्स्ट है प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज 1590 में जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन ने किया। दोस्तों, जब प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज जेड जॉनसन एंड एच जॉनसन ने किया 1590 में, उसी से कोशिका की खोज यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को देखने की शुरुआत हुई, जिसमें कोशिका भी शामिल था और उसके जरिए कोशिका की खोज की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि कोशिका की खोज यानी कोशिका की खोज के जनक जो हैं, किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। इन्होंने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी? मृत कोशिकाओं की खोज की थी। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज यानी एक कार्क के पतले काट के अध्ययन द्वारा इन्होंने किया, जिसमें मोटी मोटी भित्ति बने हुए थे, जिसमें खाली कोष्टक था जो एक कारावास की भांति कोठरियों जैसे आकृति से मिलते जुलते थे, जिसमें प्रत्येक कक्ष को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? सेल कहा। जो कार्क होता है वो पौधों की छाल से प्राप्त होता है, उसी पौधों की छाल को सूक्ष्मदर्शी रूप से माइक्रोस्कोपिक रूप से अध्ययन किया गया और उसमें छोटे छोटे कोठरियों जैसे दिखाई दिए, जिसको सेल बोला गया और ये मृत कोशिकाएं थी। तो और इस चीज का जो इन्होंने इस बात को बताया कि रॉबर्ट हुक ने कि वो पौधों की छाल से मृत कोशिकाओं का खोज किए, इस बात का प्रकाशन जो है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज यानी कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया, और इन्होंने किया तो कैसी कोशिका का खोज किया? मृत कोशिकाओं का खोज किया। ठीक है, और जीवित कोशिका का खोज किसने किया? शुक्राणुओं, रुधिर कोशिकाओं, जीवित कोशिका की खोज किए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, किसने कहा किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में रुधिर कोशिकाओं, शुक्राणुओं एंड जीवित कोशिकाओं का खोज किया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है जीवित कोशिकाओं को बैक्टीरियम नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि शुक्राणुओं, रुधिर कोशिकाओं, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में किया
और क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि एंटोन वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का यानी जीवित कोशिका को क्या नाम दिया, तो बैक्टीरियम। दोस्तों यहाँ पे मृत कोशिकाओं की खोज यानी कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। शुक्राणु रुधिर कोशिका यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोन वन लीवेनहॉक 1674 में। नेक्स्ट है केंद्रक, कोशिका के केंद्र में, सबसे केंद्र में जो होता है, जो कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है उसको केंद्रक बोलते हैं, जिसमें डीएनए आरएनए अनुवांशिक वाहक होते हैं। तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। नेक्स्ट फिर जैव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, जो कोशिका के अंदर समस्त कोशिका में जो द्रव भरा रहता है उसी को जैव द्रव्य कहते हैं। इसी में समस्त कोशिकांगों का उत्पत्ति होता है। तो जैव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज परकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया। एंड नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया, तो स्लाइडेन तथा थियोडोर श्वान 1839 ईस्वी। ठीक है, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, जीवित कोशिका मृत कोशिका की खोज किए थे, और जीवित कोशिका का खोज एंटोन वन लीवेनहॉक ने 1674 में किया था। ठीक है, और इधर कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडेन तथा थियोडोर श्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, और नेक्स्ट है दोस्तों प्रत्येक नई कोशिका जो है अपने से पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, यानी जो नई कोशिका उत्पन्न होती है वो अपने से पूर्ववर्ती यानी एक कोशिका जो है वही उसी कोशिका का विभाजन होता है, उसी विभाजन प्रक्रिया से नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। और ये इस बात को किसने बताया, एडॉल्फ विर्चो ने 1855 में बताया, यानी इस बात को कि प्रत्येक नई कोशिका अपने से पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, इस बात को किसने बताया, तो एडॉल्फ विर्चो ने 1855 में इस बात को बताया। नेक्स्ट है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की, जो डीएनए आपने फिगर में देखा होगा कि डीएनए एक कुंडलित अवस्था में होता है, जो हमारे कोशिका के केंद्र में होता है, जो अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। तो डबल हेलिक्स जो डबल रूप से वो कुंडलित होता है, तो उस चीज का खोज डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया है। ठीक है, कोशिका को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, माइक्रोन या माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें से सभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे शुरू होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के खोज से 1590 से, जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन से। फिर कोशिका की खोज करते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की। फिर जीवित कोशिका की खोज करते हैं एंटोन वन लीवेनहॉक 1674 में। फिर केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन करते हैं। जैव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज परकिंजे 1839 में करते हैं। फिर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत हो पाता है स्लाइडेन तथा थियोडोर श्वान के द्वारा 1839 में, यानी 1590 से लेकर 1839 तक में कोशिका के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो चुका था। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीवाणु विषाणु हैं उसमें सबसे छोटी कोशिका कौन है पूरे वर्ल्ड में, माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, कौन है, माइक्रोप्लाज्म। दोस्तों इसमें का सभी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटी कोशिका वर्ल्ड में कौन है, माइक्रोप्लाज्म, और सबसे बड़ी कोशिका कौन है वर्ल्ड में, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब हम जानेंगे मानव में सबसे छोटी सबसे बड़ी सबसे लंबी कौन है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका पुरुषों का शुक्राणु यानी स्पर्म है पहले नंबर पर,
और दूसरे नंबर का आरबीसी जो है वो सबसे छोटी है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? पुरुषों का शुक्राणु यानी स्पर्म, और दूसरे नंबर में आरबीसी। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो महिलाओं का अंडाणु यानी जिसे ओभम कहते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है हमारा न्यूरॉन होता है यानी ब्रेन की कोशिका, जो हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क की कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है और 90 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। और ये क्या होता है कि हमारे शरीर में समस्त जगह की कोशिकाएं का विभाजन होता है, बट हमारे न्यूरॉन कोशिका यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। इसीलिए मस्तिष्क पर जब चोट गहराई तक लग जाता है तो पुनः ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड सबसे तेज विभाजन कहाँ पे होता है? यहाँ पे तो यानी कोई पूछेगा या एग्जाम में आ सकता है कि कोशिका में किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है, मानव शरीर में कहाँ की कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो ब्रेन की कोशिका यानी न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है, विभाजन रहित होता है। और इस मानव में सबसे लंबी कोशिका है और 90 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, ये विभाजन रहित है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क की ब्रेन की जो कोशिका है न्यूरॉन वो विभाजन रहित है। और सबसे तेज विभाजन किसका होता है? वो तो विभाजन रहित है बट सबसे तेज विभाजन कहाँ की कोशिका का होता है? तो लीवर की, जो हमारा यकृत है लीवर है वहाँ की कोशिका का विभाजन सबसे तेज होता है, क्योंकि लीवर बहुत सारा काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, जब हमारे शरीर को उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फिर उसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो इसको बहुत काम करना पड़ता है लीवर को, इसलिए सबसे तेज विभाजन जो होता है वो यकृत में यानी लीवर में होता है। यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सबसे जल्दी ठीक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका यानी सेल की परिभाषा, यानी कोशिका किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करने पर आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों कोशिका जो है हमारे शरीर की यानी जीवों की, समस्त जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है और यह सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और लीवी तथा सिकेविर्स ने 1963 में इसकी परिभाषा इस तरह से दिया है। उन्होंने कहा है कि कोशिका जो है जीवधारियों की रचनात्मक कार्यात्मक या बायोलॉजिकल क्रियाओं की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो बाहर की ओर एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा परिष्कृत होता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा कोशिका है वो समस्त जीवधारियों की रचनात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, जो बायोलॉजिकल क्रियाओं की सूक्ष्मतम इकाई है। और बाहर से एक जो कोशिका होता है वो बाहर से एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो उसी से वो ढका होता है। तो ये हमारे जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है और ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई बोला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? कोशिका। और जिसमें अन्य जीवित तंत्र से मुक्त माध्यम से स्वयं प्रजनन यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि एक कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और इस यह अपने समान नई कोशिकाओं का रूप धारण करती रहती है और इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, यानी अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न करने की क्षमता। जैसे यदि बिल्ली है तो उसका बच्चा बिल्ली ही उसी प्रजाति का होगा, मानव है तो उसका जो जनरेशन होगा उसी प्रजाति का होगा, मानव है तो वो चिंपैंजी तो बन नहीं जाएगा। तो अपने समान सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता क्या है? कोशिका में होता है।
है, कोशिका एक मूलभूत अथवा सबसे छोटी इकाई है। तो जीवों की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाता है तो क्या बोला जाता है कि कोशिका। ठीक है, तो जीव की सबसे कोशिका मूलभूत अथवा सबसे छोटी इकाई है, अर्थात जीवित वस्तु का एक ऐसा भाग है जो सभी प्रकार की जीवित प्रक्रियाओं को जारी रखता है। हमारे अंदर या जीव के अंदर जितनी भी जीवित प्रक्रियाएं हैं वो कोशिका के द्वारा ही संभव है। ठीक है, और ये जीवन का आधार भवन है। यहाँ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि जीवन का आधार भवन किसे कहा जाता है, तो कोशिका को बोला जाता है। तो इस प्रकार कोशिका जो है, जैसे ईंट, एक एक ईंट मिलकर दीवार बनता है और दीवार से एक कमरे का निर्माण हो जाता है और बहुत सारे कमरा मिलकर एक घर बनता है, उसी प्रकार कोशिका जैसे ईंट से दीवार बनता है, ईंटों को जोड़ने से दीवार बनता है, उसी प्रकार कोशिका जो है, कोशिकाओं के समूह यानी समान कार्य और समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को मिलने से ऊतक बनता है और ऊतक से हमारे अंगों का निर्माण होता है और सभी अंगों के निर्माण से हमारे एक शरीर बनता है। तो इसी प्रकार कहा जा सकता है जैसे एक घर बनाने के लिए उसका सबसे छोटा इकाई ईंट है, उसी प्रकार हमारे जीवधारियों के शरीर के लिए सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कोशिका है। इसीलिए यह हमारे जीवन का आधार भवन कहा जाता है। और हमारी कोशिका जो है किससे बनी होती है, यह पानी, प्रोटीन तथा नाभिकीय तेजाब से बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है कि कोशिका किन पदार्थों से मिलकर बनी है, तो पानी, प्रोटीन तथा नाभिकीय तेजाब से मिलकर कोशिका की रचना हुआ है। और स्वयं जीवित अथवा प्राणवान वस्तुएं हैं, यह कोशिका स्वयं में एक जीवित अथवा प्राणवान वस्तु है जिसे अपने ही समान नए जीवों को रिप्रोडक्शन की इसमें क्षमता होती है। प्रत्येक कोशिका जो है भोजन ग्रहण करने, बेकार अथवा व्यर्थ को छोड़ने, विकसित होने में सक्षम है और इसमें रिप्रोडक्शन करने की, अपने ही समान जीव को उत्पन्न करने की इसमें क्षमता होता है। तो प्रत्येक कोशिका भोजन ग्रहण करने में सक्षम है, व्यर्थ पदार्थों को त्यागने में यानी उसको छोड़ने में सक्षम है और नए कोशिका के रूप में नई नई कोशिकाओं को विकसित करने में सक्षम है और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की क्षमता, अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करना की क्षमता इसमें निहित है। दोस्तों, कोशिकाओं की जो आकृति है वो आवश्यकता एवं कार्य के अनुरूप होता है। जैसे कि लंबी पतली मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है कि कार्य करते समय जो लंबी पतली मांसपेशियों की कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ सकती है, यानी कि स्नायविक कोशिकाएं जो हमारी हैं पूरे शरीर तक संदेश पहुंचाती हैं तथा उससे संदेश लाती हैं, यानी हमारे जो स्नायविक कोशिकाएं हैं, आगे तंत्रिका तंत्र का वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें स्नायविक कोशिकाओं के समस्त कार्यों की पूरी डिटेल में बात करूंगी। तो हमारी स्नायविक कोशिकाएं जो हैं पूरे शरीर तक संदेश पहुंचाती हैं और उससे संदेश हमारे अंगों तक लाती हैं। और जो हमारे चमड़ी की बाह्य परत की कोशिकाएं हैं वो शरीर के कवच का कार्य करती है, जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनका रक्षा करता है। जो हमारी चमड़ी की बाह्य परत की कोशिकाएं हैं उसका चौड़ा आकार शरीर के एक बड़े भाग को क्या करता है, ढकने में सहायक होता है, जिससे हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा बना रहता है। दोस्तों, जो कोशिका है, एक कोशिका जो है स्वयं में भी एक संपूर्ण जीव हो सकता है। एक कोशिका जो है दो प्रकार से, एक कोशिकी होता है, एक बहुकोशिकी होता है, यानी एक कोशिकी यानी यूनिसेल्युलर एंड बहुकोशिकी यानी मल्टी सेल्युलर। तो कोशिका दो प्रकार का है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी, यानी कि जिसमें एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकी यानी यूनिसेल्युलर कहते हैं।
और बहु कोशिका जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है वो मल्टी सेल्यूलर बोला जाता है। तो एक कोशिकी जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये एक कोशिकी है। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैक्टीरिया एक कोशिकी है या बहु कोशिकी है, अमीबा बहु कोशिकी है, एक कोशिकी है, पैरामीशियम, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो हम मानव हैं वो हम क्या हैं, बहु कोशिकी हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हम लोग बने हैं। तो जो दोस्तों हमारा जो लाइफ होता है यानी जीवन है, किसी जीवधारी की जीव जो हमारे संसार में कोई भी जीवधारी है, या तो वो कोशिकी हो सकता है या तो अकोशिकी हो सकता है, सेलुलर एंड नॉन सेलुलर। तो कोशिकी में हमारा जो है या तो उसको कोशिका हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। तो अकोशिकी में जो है नॉन सेलुलर में विषाणु यानी वायरस आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है जो वायरस है वो सेलुलर है या असेलुलर है, यानी कोशिकी है या अकोशिकी है। तो हमारा जो विषाणु है यानी वायरस जो है वो अकोशिकी है यानी नॉन सेलुलर होता है। दोस्तों ये जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दो प्रकार से कोशिका को बांटा जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है अकेंद्र की, और यूकैरियोटिक का मतलब सुकेंद्र की, यानी सुकेंद्र की यानी जिसमें केंद्र पाया जाता है, जिस कोशिका में केंद्र पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे अकेंद्रकी यानी प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक के बारे में। दोस्तों प्रो का मतलब होता है अब्सेंट यानी अनुपस्थित, और यू का मतलब होता है प्रेजेंट, इसका मतलब उपस्थित। कैरियोटिक का मतलब है नाभिक यानी केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ये कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और प्रो का मतलब है अब्सेंट यानी जो प्रोकैरियोटिक है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और ईयू का मतलब प्रेजेंट यानी केंद्रक होता है, यानी जो यूकैरियोटिक है वो उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों ये था कोशिका के इतिहास एवं उसके आधार के बारे में, कोशिका किसे कहते हैं हमने ये फुल डिटेल में जाना। आई होप कि आपको कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसको 3-4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक के बारे में बताऊंगी। उसके नेक्स्ट पार्ट में हमारे कोशिका की जो संरचना है, बहुत सारे अपघटक हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगी। तो इस वीडियो को 3-4 बार आप देख लीजिए, तो आपको कोशिका के बारे में सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड जितने भी आने वाले 3-4 पार्ट में जो कोशिका का वीडियो होगा उस सब पार्ट को देखना न भूलिएगा, जिसे आपको कोशिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप उसका आंसर आसानी से दे सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी यह जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।